तो है ही नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस में एशेज क्रिकेट को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो भाइयों आज की वीडियो जो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखेगा जिससे होगा कि आपको सारे के सारे स्टेप्स के बारे में पता लग जाएगा जिससे जो आपकी गेम है आपके एंड्रॉइड डिवाइसेस में जो सक्सेसफुली जो है रन करने वाली है। तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा अंत तक देखेगा क्योंकि भाइयों जरूर आप पूरा अंत तक देखोगे तभी आपको जो स्टेप्स के बारे में पता लगेगा। अगर आप अंत तक नहीं देखोगे फिर आपकी गेम नहीं चलेगी, फिर आप बताओगे कमेंट्स में भाई हमारी जो गेम नहीं चल रही, फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली। तो इसलिए जो आप इस गेम को है पूरा एंड तक जो है जरूर देखिएगा। तो बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो भाइयों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उससे होगा क्या, आप मेरी सबसे पहले गेमिंग वीडियोस देख पाएंगे। और भाई आज के वीडियो जो हम लाइक का टारगेट रखने वाले हैं, आज के वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखेंगे 200 लाइक्स का। जल्दी से जो आप इस वीडियो पर 200 लाइक्स के टारगेट को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो भाइयों मैं आपको बता देता हूं कि हम इस गेम को जो कैसे डाउनलोड करेंगे अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकेशंस के बारे में, आपका जो फ़ोन की मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट कितनी है जो ये गेम है आपके एंड्रॉइड डिवाइसेस में चलने वाला है। तो मैं सबसे पहले हम बात करते हैं जो 4GB से नीचे वाले जो वेरिएंट हैं उनके लिए। मैं पहले बता दूं ये गेम को डाउनलोड नहीं करिएगा, आपका जो डाटा सिंपली वेस्ट होने वाला है। तो इस गेम को आप ज़रूर से ज़रूर जो है डाउनलोड नहीं करिएगा भाइयों, माफ़ कर देना मेरे को, आपको नहीं करना पड़ेगा इसको डाउनलोड, क्योंकि अगर आप डाउनलोड कर दोगे तो आपकी गेम चलेगी नहीं, फिर आप बताओगे भाई जो आपने फेक वीडियो बनाई है। तो भाइयों इसलिए जो है अगर आपकी 3GB रैम, 2GB रैम, 1GB रैम, 512MB रैम है, इस गेम को यार बिल्कुल भी जो है डाउनलोड मत करिएगा। मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ गेम को ज़रूर जो है नहीं करिएगा डाउनलोड, आप मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। तो हम बात करते हैं 4GB वेरिएंट के बारे में। 4GB वेरिएंट में जो आपका जो गेम है चलने वाला है, लेकिन वो प्रोसेसर पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपके पास में जो है आपका 4GB रैम है, प्रोसेसर आपको अच्छा मिलता है, तो उसके बाद जो है आपका गेम बहुत ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। अगर आपके पास मिनिमम जो मेरे फ़ोन की जो रिक्वायरमेंट है, मेरे में जो है 4GB रैम और 636 का प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 636 और 4GB रैम क्योंकि नोट 5 प्रो है, तो इसमें जो है मेरा गेम चल जाता है, लेकिन 30 FPS तक की स्पीड आती है, यानी कि 30 फ्रेम पर सेकंड्स की जो है गेम चलती है। तो अच्छी खासी गेम चल जाती है, उतनी भी अच्छी नहीं चलती है, लेकिन लैग वगैरह जो हमें बहुत देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास 6GB रैम है, 8GB रैम है, तो भाइयों आप इस गेम को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। ये जो गेम है आपके फ़ोन में जो है 100% जो है स्मूथ चलने वाले, बिल्कुल सा भी आपको एक लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो भाइयों इस गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस में डाउनलोड करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक ISO फाइल है और एक एमुलेटर फाइल है। तो आपको जो दोनों की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ उस गेम को हम ये कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस स्टेप को जो आप ज़रूर पूरा अंत तक देखेगा क्योंकि भाइयों ये स्टेप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को नहीं देखोगे जो आपकी गेम है फिर वो डाउनलोड नहीं होएगी, फिर आप बोलोगे भाई जो लिंक है वो आपने गलत लिंक दिया या फिर करप्ट लिंक दिया, जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रहे। तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर पूरा अंत तक देखिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं हमें सबसे पहले करना क्या, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे जो लिंक दी आपको उस पे क्लिक करना है। तो भाई जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप कुछ इस तरह के पेज पे आने वाले हो। जब आप इस पेज पे आ जाते हो तो आपको करना क्या, नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे जो कैप्चा जो यहाँ पे आपको इसको जो है वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा कैप्चा वेरीफाई होने वाला है और हमारे यहाँ पे जो कैप्चा वेरीफाई हो चुका है, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। और भाई आपको बता दूँ यहाँ पे आपको जो डेस्कटॉप मोड पे ही रखना पड़ेगा अपने इसको क्रोम ब्राउजर को, तो जिससे जो आपकी डाउनलोडिंग है वो हो जाएगी बिना किसी ऐप को डाउनलोड करने के बगैर। तो यहाँ से हम अभी गेट लिंक पे जो है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो गेट लिंक पे हम क्लिक करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अब जो है मेगा का एक जो है पेज यहाँ पे खुलने वाला है। तो यहाँ पे अभी आप करना कि यहाँ पे आपको जो है क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो अब आपके सामने जो है डेस्कटॉप वर्जन में जो है मेगा का जो वेबसाइट है वो खुलने वाला है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास मेगा ऐप नहीं है तो आपको यही करना पड़ेगा। अगर आपका मेगा ऐप है तो आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको आ जाएगा डाउनलोड इन मेगा ऐप, वहाँ से फिर आप डायरेक्ट जो है आपकी मेगा ऐप पे जो आप वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास मेगा ऐप नहीं है तो आप आइए डेस्कटॉप मोड पे करिए इस साइट को, तो उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है इसी ब्राउज़र से जो आप इस गेम को जो है डाउनलोड कर पाओगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। तो उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास आ चुका है डाउनलोड होने के लिए। यहाँ पे अभी बस हमें करना क्या है, डाउनलोड पे क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे जो डाउनलोडिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से हमारी जो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इस गेम को जो है डाउनलोड कर देना है। तो फिलहाल मैं इस गेम को पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो एक गेम है ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो भाई मैं गेम को जो है पॉज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो परमिशन वगैरह मांगने वाला डाउनलोडिंग के लिए,
तो मैं इसको जो है डाउनलोडिंग को पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये गेम है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो डाउनलोडिंग जो है वो हो चुकी है चालू। तो उसके बाद मैं अब आपको आगे बता देता हूँ आगे आपको करना क्या है डाउनलोडिंग के बाद, जब आपकी डाउनलोडिंग खत्म हो जाए आपको आगे करना क्या मैं आपको बता देता हूँ। तो भाइयों जब आपकी डाउनलोडिंग जो है कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको करना क्या है, इस ये जो RAR फाइल है इसको आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है। और भाइयों साथ ही साथ आपको जो है डॉल्फिन एमुलेटर को भी डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में उसके भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आपको जो वो भी जो है इसी तरह से डाउनलोड करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया था। उसकी भी जो लिंक है आपको मेगा लिंक ही मिलने वाले, तो आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो कि आपने जो एशेज क्रिकेट के लिए किया था। तो उसके बाद जो डाउनलोडिंग हो जाती है आपको इस गेम को जो एक्सट्रैक्ट करना है, और अगर आपको इस गेम को एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता है तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं वहाँ पर आपके पास वीडियो आ चुकी होगी, तो वहां पे मैंने ये वीडियो बना के रखी हुई है जहां पे मैंने एक्सट्रैक्शन बताई है एशेज क्रिकेट को हम कैसे जो है एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो है एक और वहां पे आप देख सकते हैं फिर से आई बटन आपके पास आ चुका होगा, और वहां पे जो है मैंने जो है वहां पे इसका गेम प्ले दिखाया हुआ है, गेम का जो गेम है हमारे एंड्रॉइड डिवाइसेस में सक्सेसफुली चल रहा है। तो दोनों की दोनों वीडियोज का जो है आपको लिंक जो आई बटन में मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक करके दोनों वीडियोस को देख सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपनी गेम को वहां से देख के, और साथ ही साथ अपनी गेम जो है आप अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस में चला सकते हो। तो बस भाइयों आज के वीडियो में आपको इतना ही बताना था, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि पिछली जो वीडियोस मैंने बनाई थी उन पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जो ये गेम है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, डाउनलोडिंग होने में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है, जो हमसे मेगा ऐप से वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कुछ उनसे जो प्रोसेस है गलत हो रहा था। तो इसलिए भाइयों मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं आपके सामने लाइव जो डाउनलोडिंग करके बताऊँ, बाकी एक्सट्रैक्शन और साथ ही साथ गेम प्ले की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। भाई बस आज के वीडियो में आपको इतना ही बताना था, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी खेल पाए आप एशेज क्रिकेट को अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर मेरा नाम है तुषार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। बस सूट होने अरमानी दे जी पच्ची वर साचे जी आ एलवी गुची वाले कपड़े करे।